गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ श्वेता, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम RPIMS बस्तारा करनाल। आज के यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर्स। स्टैटिस्टिक्स, ओवर वन हाफ ऑफ टीनेज गर्ल्स एंड वन थर्ड ऑफ टीनेज बॉयज यूज अनहेल्दी वेट कंट्रोल बिहेवियर सच एज स्किपिंग मील्स, स्मोकिंग, फास्टिंग, वॉमिटिंग एंड टेकिंग लैक्सेटिव्स। 42% of one third grade girls want to be thinner. 81% of 10-year-olds are afraid of being fat. The average woman is 5'4 and weighs 140 pounds, and the average supermodel is 5'11 and weighs 117 pounds. So you can see the statistics difference. कि 5'4 की age है, height है, तो उनका 140 पाउंड्स वेट है, जबकि एक सुपर मॉडल जो 5'11 हाइट है उसका वेट से ज़्यादा होना चाहिए था, उसका वेट होता है 117 पाउंड्स। अमेरिकन स्पेंड्स ओवर $40 billion ऑन डाइटिंग एंड डाइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स ईच ईयर। नाउ फर्स्ट ईटिंग डिसऑर्डर इज योर एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव वेट लॉस, सेल्फ स्टारवेशन, preoccupation with foods processing, restriction against whole categories of food, anxiety about gaining weight or being fat, denial of hunger, consistent rescues to avoid meal times, excessive rigid exercise regime to burn off calories, withdrawal from usual friends. एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, इसमें पेशेंट एक्सेसिव वेट लॉस होता है, क्यों, क्योंकि पेशेंट खुद को भूखा रखता है, सेल्फ स्टारवेशन करता है, इसमें वो प्री ऑक्यूपेशन रखता है फूड से, एंग्जाइटी रहती है उसे हमेशा कि उसे वेट गेन ना हो जाए, बीइंग फैट, हंगर, भूख होने के भी बाद उसे वो डिनायल फेज में होता है कि नहीं मुझे नहीं लगी है भूख, कंसिस्टेंट एक्सक्यूज देता है कि उसे मील टाइम को अवॉइड करना है, एक्सरसाइज रिजिड एक्सरसाइज रिजीम होता है ताकि बर्न ऑफ कर सके वो अपनी कैलोरीज को, विड्रॉल करता है यूजुअल फ्रेंड से। सिम्टम्स, रेजिस्टेंट टू मेंटेनिंग बॉडी वेट एट और अबव अ मिनिमम नॉर्मल वेट फॉर एज एंड हाइट, की उसकी रेजिस्टेंस होती है कि वो नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन नहीं करता है उतना ही या उससे ज़्यादा, उसको अपने एज और हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम रखना पसंद होता है, ये इसका पहला सिम्टम है। इनको इंटेंस फियर होता है कि इन्हें वेट गेन हो जाएगा, ये फैट हो जाएंगे, इवन दो जब ये अंडर वेट होते हैं, आप पेशेंट को देखोगे यू कैन सी ही इज़ माल नरिश्ड और अंडर वेट, बट उसे टेंशन होगी कि मैं मोटा तो नहीं हो जाऊँगा, मैं फैटी जंक फूड खाऊँगा तो मोटा, लाइक इन चीज़ों की टेंशन होती है। पेशेंट को डिस्टर्बेंस रहती है पर्सन को इन द एक्सपीरियंस ऑफ बॉडी वेट और शेप ऑन सेल्फ इवेल्यूएशन, पेशेंट को अपने बॉडी वेट के रिगार्डिंग और अपनी शेप के रिगार्डिंग सेल्फ इवेल्यूएशन में क्या रहता है, डिस्टर्बेंस, उसको लॉस होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड का, मेनली इन गर्ल्स एंड वुमेन पोस्ट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद भी प्रॉपर वेट ना होने की वजह से, प्रॉपर ग्रोथ ना होने की वजह से इन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का लॉस हो जाता है, इनका सिम्टम्स है एनोरेक्सिया नर्वोसा का। व्हाट डू काउंसलर लुक फॉर, काउंसलर्स को क्या क्या देखना है, रैपिड लॉस ऑफ वेट तो नहीं हो रहा, चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स और सोशल गैदरिंग, हेयर लॉस और ड्राई स्किन, एक्सट्रीम कंसर्न अबाउट अपीरियंस और डाइटिंग। नाउ आई विल एंड दिस यूट्यूब वीडियो हेयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल RPIT Academics। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।